मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहा है मॉर्निंग के 6 o'clock और आज है मंडे। आप देख सकते हो ये 6 o'clock की व्यू है, पर इतना धूप है कि लग रहा है अभी बज रहा है 10 o'clock। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ही गर्मी है, कल भी और भी गर्मी था, आज थोड़ा सा कम है पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज की जो टेम्परेचर है वो है 38 degrees centigrade और ये है मॉर्निंग का व्यू। और अभी 6 o'clock बज रहा है, पुष्कर स्कूल चले गए हैं। मैं थोड़ी देर पहले पुष्कर को बस तक छोड़ के आई हूँ। अभी मॉर्निंग का जो काम है वो मैं करूँगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड की ब्रेकफास्ट, मेरी ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी और छोटा मोटा घर का जो काम होता है वो करूँगी। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो भी मुझे करना है। 10:30 हो रहा है अभी,
तो आज का वेदर बहुत ही मतलब बहुत गर्म है आज। मैंने सुबह आपको बताया था 38 डिग्री तब था, अभी तो 40 हो गया है, मतलब दोपहर के बाद तो 40 आप मतलब 42-43, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब एक लू जो है, लू कहता है ना, गर्म हवा वो जा रहा है, वो चल रहा है बाहर। मतलब आप दिन और रात का फ़र्क नहीं समझ पाओगे, मतलब दिन में सिर्फ सन होता है और रात में नहीं होता है, बाकी जो जो टेम्परेचर है वो सेम होता है बिल्कुल। मतलब अब रात को भी निकलोगे ना तो लगेगा कि आपके जो बॉडी है वो जल रहा है, मतलब ऐसा ही वेदर होता है गर्मी के सीजन में, इधर ऐसा ही होता है। तो मैं उस फ्राइडे के बाद, मैं आज मुझे टाइम मिला है ब्लॉग बनाने की। एक्चुअली कल मैंने सोची थी पर कुछ हम लोगों का कुछ पर्सनल काम भी था, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई। और फ्राइडे के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। और फ्राइडे में बहुत ही हम लोग का फ्राइडे सैटरडे बहुत हेक्टिक जाता है, बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग फ्राइडे में कुछ शॉपिंग भी किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं फ्राइडे में होम सेंटर गई थी और भी बहुत सारे जगह गई थी, इसलिए 10 बज गया था कि हम लोग निकले थे घर से 5:30 को, पर घर में आए 10 बज चुका था मतलब डिनर विनर करके घर में वापस आए। तो बहुत घुमा फिरा, मतलब बहुत सारे मॉल में गए थे, बहुत सारे शॉप में गए थे, तो उसमें से होम सेंटर गए थे। तो होम सेंटर में मैं एक चीज़ लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली स्पैचुला होल्डर जिसको कहते हैं, या तो स्पून रेस्ट भी कह सकती है, तो वो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी और मैं ऑनलाइन में भी देखी थी वो चीज़, पर मैं क्या ना ऑनलाइन से ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब उतना विश्वास नहीं है। मैं नहीं कहूँगी मैं लेती नहीं हूँ, मैं लेती हूँ, पर सारी चीज़ अगर मैं खुद अपने हाथ से देखकर जो चीज़ मुझे मिलता है मैं वो ले लेती हूँ। ऑनलाइन में क्या है, सिर्फ फ़ोटो देख के आपको ऑर्डर करना पड़ता है, उसके बाद कभी कभी होता है, हर बार नहीं पर कभी कभी होता है, वो गलत भी होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऑनलाइन से, मतलब बहुत ज़रूरी होता है तभी मैं ऑनलाइन से लेती हूँ, वरना मैं मतलब शॉप से ही लेती हूँ, खुद देख के अच्छी तरह से तब मैं लेती हूँ। तो मैं होम सेंटर, मुझे पता था होम सेंटर में वो चीज़ मिल जाएगा, बाकी कहीं जगह नहीं मिला था। तो ये है स्पैचुला होल्डर, स्पैचुला रेस्ट और स्पून रेस्ट कह सकते हो। तो ये है, ये सिरामिक का है, एक मेटल का भी था, तो मेटल का मुझे उतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो थोड़ा सा धार भी था, हाथ कट सकता था, मतलब मुझे उतना पसंद नहीं आया, पर ये बहुत पसंद आया था मुझे, तो मैंने ये लिया। आप देख सकते हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, हाँ ये मुझे बहुत पता नहीं इसका यूज़ कितना होगा नहीं होगा, पर मुझे शौक हुआ तो मैं ये ले लिया। और इसका प्राइस है 10 दिरहम, ये होम सेंटर से मैंने लिया, इसका प्राइस 10 दिरहम है, ये सिरामिक का है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं, पर अच्छा है। और हम लोग होम सेंटर से और कुशन लिया था, ऐसे ब्लू कलर का जो कुशन होता है, आप देख सकते हो कि नहीं पता नहीं, ये कुशन एक्चुअली हम लोग का जो चेयर है, चेयर के ऊपर ये, इस चेयर के दो साइड में ये टाई कर देंगे, बांध देंगे, फिर ये कुशन बैठने के लिए, इसके ऊपर बैठने के लिए ये मिल रहा था। ये हम लोग 3 लिया है। और मैं होम सेंटर में ब्लैंकेट भी देखा, लेकिन ब्लैंकेट मुझे उतना पसंद नहीं आया, मतलब कलर जो था बहुत ही ऑफ कलर था, इसलिए उतना पसंद नहीं आया। तो मैं एक डैन्यूब है, डैन्यूब होम मार्ट, उधर से मैंने एक ब्लैंकेट लिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ब्लैंकेट डैन्यूब का, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। उतना भारी भी नहीं है, हल्का है, लाइट वेट का है, पर बहुत अच्छा है, और ये ऑफर में मिल रहा था तो इसलिए मैंने ये ले लिया। कलर कैसा है आप लोग जरूर बताना क्योंकि मैंने होम सेंटर से भी लेने की कोशिश की, पर मेरे हस्बैंड को कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने डैन्यूब से लिया। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना ये कलर कैसा है। और एक चीज मैंने लिया, ये एक्चुअली है ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजर, या आप मेकअप ऑर्गेनाइजर कह सकते हो। आप शायद आप फोटो वीडियो देखे होंगे, मेरी जो लास्ट जो मेरा ब्लॉग वीडियो था फ्राइडे का, उसमें ये मैंने दिखाया था। तो ये मैंने लिया, ये भी इसका भी प्राइस बहुत ही कम है, 10 दिरहम है, 10 दिरहम।
और ये मेकअप ऑर्गेनाइजर है, ये बहुत ही, क्योंकि मेरा मेरे पास एक है लेकिन वो बहुत ही छोटा टाइप का है, इतना छोटा है, उसमें चार पांच लिपस्टिक ही आता है या नेल पॉलिश और कुछ नहीं आता। तो इसमें बहुत सारे, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक तो बहुत है पर हर लिपस्टिक, बहुत पुराने लिपस्टिक भी मेरे पास है पर हर लिपस्टिक मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर डेली यूज़ करती हूँ, थोड़ा बाहर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो जो लिपस्टिक अभी ज़्यादा यूज़ करती हूँ वही सारे लिपस्टिक इधर है। एक कॉम्पैक्ट है और एक ब्लशर है और ये जो है मेरे बीबी क्रीम, पॉन्ड्स क्रीम, ये सारे चीज़, और ये बस एक मास्कारा, ये बस, और सिंदूर। मैं ये सिंदूर जो लिक्विड सिंदूर मैं यूज़ करती हूँ, मैं जो वो पाउडर वाला सिंदूर वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये लिक्विड मैं यूज़ करती हूँ, लिक्विड सिंदूर। ये क्या शेड का है, हाँ क्या शेड है, क्या शेड का सिंदूर है, और लैक्मे भी यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास अभी क्या शेड का ही है सिंदूर, ये मैं कोलकाता से लाती हूँ। तो बस ये इतना ही है मेरे पास। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र मुझे लेनी थी और ये मैं ली, तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मेकअप ऑर्गेनाइज़र है और ये बहुत ही अच्छा है, आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखोगे तो अच्छा लगे, और आप लोगों को मेरी ड्रेसिंग टेबल आप लोगों को मैं किसी दिन दिखाऊंगी। तो अभी 11:45 हो चुका है, अभी सॉरी 10:45 हो चुका है, अभी मैं किचन में जाऊंगी क्योंकि मुझे कुकिंग कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हो मेरा जो किचन है बिल्कुल अभी क्लीन हो गया है, मैंने जितने सारे बर्तन थे कुकिंग के बाद सब मैंने धो लिया है, बिल्कुल सब हो गया है, बिल्कुल क्लीन किचन है। और अभी बज रहा है 12:30 और मैं अभी शावर लेने के लिए जाऊंगी। हेलो, तो मेरा जितने सारे काम था वो हो गया है, अभी मैं शावर लेने के लिए जाऊंगी क्योंकि अभी बज रहा है 12:30 और बस जितना सारा काम था हो गया है, बर्तन वगैरह सब धो लिया है मैंने और खाना भी बन गया है, दाल है, कल का एक दाल बनाया था मैंने, दाल भी है, और मैं एक सब्जी बनाई और कुछ नहीं बनाई। और अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी, मतलब शावर लूंगी, उसके बाद आऊंगी फिर पूजा करना है, पूजा करूंगी, और पूजा की जगह बहुत, मतलब धूल मैला बहुत जम गया है तो उसका थोड़ा सा साफ़ सफाई करूंगी, तो वो करते करते मतलब देर बच जाएगा, 1:30 हो ही जाएगा क्योंकि अभी 12:30 हो गया, तकरीबन 12:40 होने वाला है। तो नहाने के लिए जाऊंगी, फिर आके वो सब साफ़ सफाई करके फिर पूजा करूंगी, उसके बाद पुष्कर आने के बाद हम लोग लंच करेंगे, तो आपके साथ बाद में मिलूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अभी बज रहा है 5:15 और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ, तो अभी मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए और पुष्कर के लिए मैं एक बॉयल होने के लिए दूंगी क्योंकि वो एक्चुअली शाम को अभी स्कूल खोलने के बाद
मैं हर रोज मतलब शाम को उसको एक देती हूँ, बॉयल एक देती हूँ, क्योंकि टिफिन में वो ब्रेकफास्ट तो होता नहीं है, मतलब टिफिन में भी मैं एक नहीं देती हूँ क्योंकि उसको पसंद नहीं है बिल्कुल टिफिन में एक देना, क्योंकि एक का एक स्मेल होता है, वो मैं बॉक्स का क्या होता है बंद रहता है, अब खोलने से एक स्मेल आता है, तो इसलिए पुष्कर बिल्कुल पसंद नहीं करता है टिफिन में एक, मतलब वो मतलब और ठंडा हो जाने से एक बॉयल एग बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, और एक फ्राई तो और भी नहीं दे सकती क्योंकि फ्राई किए हुए चीज मतलब ऑयल में फ्राई हो किया हुआ चीज वो इतने देर के बाद लेकर जाएंगे फिर अच्छा नहीं लगता, एक स्मेल आ जाता है एक का, तो इसलिए वो पसंद नहीं करते, बिल्कुल लाइक नहीं करता है, तो इसलिए वो गर्म ना गर्म जो एग होता है बॉयल एग वो उसको बहुत पसंद है, तो वो मैं अभी एक बॉयल होने के लिए दूंगी और मेरे लिए चाय बनाऊंगी, बस यही काम है, और मैं एक चीज़ बनाऊंगी वो है राइस, क्योंकि रात में बिल्कुल राइस नहीं है, वो मैं मुझे बनाना है, और मैं सोच रही हूँ लौकी का कुछ एक सब्जी बनाऊँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, शायद मैं लौकी का एक सब्जी बनाऊंगी, बस इसमें हो जाएगा हम लोगों का डिनर, तो वो बाद में करूँगी, देखूँगी। पुष्कर का एक्चुअली गिटार का क्लास है, पर पता नहीं है मैं जाऊँगी या नहीं, मेरे हस्बैंड उसको देकर आ सकता है, पता नहीं वो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, वो 7 o'clock है तो बाद में सोचेंगे उसके बारे में, तो फिलहाल मैं अभी चाय बना लूँ। अभी मैं चाय पी रही हूँ, अभी 5:30 नहीं बजा है, 5:30 नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बैल्कनी में आ जाऊँ, और बैल्कनी में आने का और भी एक रीज़न है क्योंकि अचानक से वेदर चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है, वो हवा गर्मी वाला हवा जो होता है वो नहीं है, उतना गर्म भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है वेदर, पता नहीं कि कैसे चेंज हुआ, किस तरह से हुआ, ये होता नहीं है एक्चुअली, पर चेंजेस है आज, तो इसलिए मैं बालकनी में आई, मैं थोड़ा सा मतलब बालकनी का जो डोर है मैं खोलने के बाद ही मुझे पता चला कि वेदर कुछ चेंज हुआ है, तो उतना गर्मी नहीं लग रहा है बालकनी में, अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि बालकनी में आ जाओ, और बैल्कनी में इतना आवाज़ आता है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिए, पता नहीं है मेरे जो वॉइस है आप लोग तक जा रहे कि नहीं, आप सुन पा रहे हो कि नहीं, मुझे पता नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ होता है, और आज मैं पी रही हूँ कार्डमम टी लिप्टन का, और आजकल मैं वही पी रही हूँ, बहुत ही अच्छा है उसका टेस्ट, बहुत अच्छा है, खुशबू है बहुत, स्मेल जो है बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली बहुत सारे लोग कार्डमम टी मतलब मिल्क के साथ पीते हैं, पर मैं मिल्क टी पीती नहीं हूँ, बहुत कम पीती हूँ, मतलब पीती नहीं हूँ मैं, बहुत कम पीती हूँ, तो मुझे वो जो रॉ टी होता है लिक्वर टी वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका जो स्मेल है बहुत अच्छा है, तो लिप्टन का कार्डमम टी आजकल मैं पी रही हूँ मॉर्निंग में भी पी रही हूँ और शाम को भी पी रही हूँ। हेलो, अभी बज रहा है 6:50 बज रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ पुष्कर को गिटार के जो स्कूल है उधर छोड़ने के लिए, और मैंने डिनर बनाया है लेकिन राइस अभी तक नहीं बनाई, तो राइस आने के बाद ही बनाऊंगी, मतलब छोड़ के चली आऊंगी, उसके बाद फिर से जाऊंगी उसको लेने के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज अभी बज रहा है 9:35 हो रहा है अभी, और हम लोग गिटार स्कूल से आ गए हैं। अभी मैंने उन सब मेरे हस्बैंड को और पुष्कर को डिनर दे दिया है और मैंने अभी तक खाए नहीं, डिनर नहीं किया। एक्चुअली आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया है। बिल्कुल मतलब मन भी ठीक नहीं लग रहा है। एक्चुअली कुछ देर पहले मैं मेरी माँ को फ़ोन किया था। मेरी माँ इंडिया में रहती है, तो मैं मेरी माँ को फ़ोन किया था और माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, और उसके साथ मेरी बहन है, जो मेरी बहन की तबीयत भी बहुत ख़राब है। तो वो सुनने के बाद से होता है ना कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, और इंडिया में जो रहते हैं, मतलब अपने जो लोग अपना जो लोग रहते हैं, अगर उन लोगों का तबीयत खराब हो जाए ना, मतलब तब सुनने से बिल्कुल मन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मन मेरा ख़राब है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल मूड नहीं है कुछ ब्लॉग बनाऊँ, क्या क्या करूँ कुछ। मैं बहुत कुछ सोची थी कि लौटने के बाद ये करूँगी वो करूँगी, पर बिल्कुल नहीं कर पाई। अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरे अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।